हेलो स्टूडेंट्स, नितिन पंखा पंखा। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने ये बताया था लास्ट में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का वैल्यू क्या होता है। तो हमने देखा था कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उस चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसके द्वारा आउटसाइड पोटेंशियल क्या होता है और इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है। आउटसाइड के लिए सॉलिड स्फीयर जो होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और इनसाइड के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट की तरह उसको नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ अंदर हमने लिखा था इनसाइड आई मीन पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट एनी पॉइंट इनसाइड एट ए डिस्टेंस आर क्या होगा, के क्यू अपॉन टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और आउटसाइड ये तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रेडियस ऑफ द क्या होगा, सॉलिड स्फीयर होगा। उसके बाद हमने लिखा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब आर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर होगा। अब आपसे कोई पूछे कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो इफ R is equal to क्या हो जाए, I mean small r is equal to r हो जाए, then क्या हो जाएगा, then V is equal to क्या हो जाएगा, Vs, Vs क्या stand for, S stand for electric potential on the surface of non-conducting charge sphere। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r रख दो यहाँ, देखो तो क्या हो जाएगा, KQ upon क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम कंसीडर कर लें कि इफ क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन क्या होगा, देखो ध्यान से, आई मीन आर जीरो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, तो देखो इसको लिख रहा हूं वीसी, इस फॉर्मूला देखो आर क्या है, सेंटर पे निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला के क्यू अपॉन टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर जीरो लिखो तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, थ्री बाई टू के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इससे ये मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री बाई टू टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द क्या होगा, स्फीयर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो सर्फेस पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, थ्री बाई टू इंटू के क्यू अपॉन क्या होगा, आर। अब के क्यू अपॉन आर हमने क्या लिखा है, वी एस लिखा है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री बाई टू टाइम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सर्फेस या ऑन द सर्फेस। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू वन बाई वन पॉइंट फाइव वी एस। ठीक है, अब यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, दो ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ ये वी एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, आर, और दिस इज नथिंग बट द सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर आई मीन सी, और दिस इज रेडियल डिस्टेंस आर। तो देखो क्या होगा, आर इक्वल टू आर पे, ठीक है, समझ में आया, आर इक्वल टू आर पे पोटेंशियल जो है क्या है, देखो अब आर जब ग्रेटर देन क्या है, आर है, तो देखो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब लिखना होगा तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, समझ में आया ना, ये तब होगा जब R इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसके बाद आप देखना ये जो है क्या है, पैराबोलक पैराबोलिक ग्राफ है, तो यही क्या है, R इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे तो इसका जो नेचर होगा यहाँ तक क्या होगा, पैराबोलिक होगा, समझ में आया ना, तो यहाँ जो होगा ये वाला जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक हो जाएगा, ये आपको आई थिंक मालूम हो। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से,
आई मीन सेंटर से, ठीक है, ये देखो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड है इसका, अगर आप तुम ड्रॉ कर सकते, ठीक है। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, वी सी इज इक्वल टू 3/2 वी एस, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ ये तब हमने ड्रॉ किया जब क्यू क्या है, पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल वर्सेस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर वर्सेस क्या है, आर ग्राफ, ठीक है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है यहाँ क्या हो रहा है, वी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पैराबोला है। यदि मैं आर, यदि चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ग्राफ कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तब हम ड्रॉ कर रहे हैं जब क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, अगेन हमने इसको सेंटर को रेफरेंस माना है, और यहाँ से आई मीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये आर हो गया, ठीक है। अब अगेन आर के बाहर, आई मीन स्फीयर के बाहर जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यार इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, देखो इसी का क्या करना है, मिरर, ये जो पॉजिटिव है सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पैराबोला हो जाएगा, समझ में आया ना। तो कभी कभी ये ग्राफ पूछा भी जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, वी सी, और दिस इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा, वी एस, और वी सी इक्वल टू 3/2 क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, समझ में आया। तो ये तब हम ग्राफ, अगेन ये क्या हो जाएगा, पैराबोला, और ए इधर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ पार्ट क्या होता है, पैराबोला, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द क्या होगा, इनसाइड द क्या होगा, सॉलिड स्फीयर, वेरी पैराबोलिकली, ठीक है, विद द क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होगा, ये भी आप लिख लेना नोट में, है ना, कभी कभी भी पूछा जाएगा, तो वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या है, वर्क डन पूछा जाता है, तो ऑलवेज क्या करना है आपको, जब भी वर्क डन कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल वाला क्या है, मूविंग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड क्या होगा, वर्क डन, ठीक है। अब अगला जो हम टाइप देखेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, क्या होगा, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। ये भी आपको मालूम है कि कंडक्टर पे जब भी हम चार्ज रखते हैं तो उससे उसके सरफेस पे क्या होगा, डिसाइड हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यही क्या है, कंडक्टर है, इस पे इसका स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या आर है, इस पे चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और चार्ज का वैल्यू क्या है, क्यू है, समझ में आया। आपको क्या करना है, इसके द्वारा पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ये भी आपको मालूम है कि ई का जो वैल्यू होता है, यहाँ ये लिख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एज ए रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जब क्या होगा, आर लेस देन क्या होगा, आर होगा, ऑलरेडी मैं बताया हूँ। और बाहर के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर होता है, समझ में आया ना, ठीक है। कंडक्टर के केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किसी पॉइंट पे। और बाहर के लिए क्या होगा, यदि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पॉइंट की तरह ट्रीट करता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
अब अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब क्या होगा। देखो हम जानते हैं, अभी आगे थोड़े टाइम में बताऊंगा, और हम जानते भी हैं कि डीवी इक्वल टू क्या होता है। देखो ध्यान से, डीवी इक्वल टू क्या होता है, माइनस कल ही हमने देखा था ई डी आर, यही होता है ना। अब यदि इनसाइड क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो डी वी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अरे हम ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द क्या होगा, कंडक्टर ऑलवेज क्या होगा, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। पहले हम चेक कर लें, आपसे कोई पूछे कि ये सेंटर है सी पे पोटेंशियल क्या होगा, ये पॉइंट पी है इस पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, इस सरफेस पे कोई पॉइंट एस है, क्या है, एस है सरफेस पे, तो पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ से क्या मालूम चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ऑन द कंडक्टर, क्या होता है, ऑलवेज हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो कि वी पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो जाएगा, एस, ठीक है, समझ में आई बात। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा बी पी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, वी एस, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यदि बाहर के लिए आपको ही मालूम है कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बाहर के लिए, अब देखो सरफेस पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो पहले हम बाहर पे लिख लेते हैं बाहर के लिए। तो पोटेंशियल देखो, तो इफ मैं यहां लिख रहा हूं, इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आर, ठीक है, मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं, तो ये कंडक्टर है, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके पी पॉइंट पे जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, वहाँ पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो स्फीयर जो होता है बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए उसको हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, यही सी हो गया। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर देंगे, और वो चार्ज कहाँ रख देंगे, सेंटर पर रख देंगे, ठीक है, यही पॉइंट पी हो गया, ये सी, और ये रेडियल डिस्टेंस क्या है, आर है। तो आप पोटेंशियल यहाँ लिख सकते हो, देखो भी एट पॉइंट भी एज ए रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर, जब आर क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, समझ में आया ना। अब ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो सरफेस पे कोई पोटेंशियल पूछे तो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, वी एस, वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर हो गया, समझ में आई बात। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, स्फीयर के लिए हमने क्या, एक जगह मैं लिख रहा हूं, देखो पहले हमने क्या लिखा, फील्ड जो लिखा था किसके लिए, कंडक्टर के लिए, देखो इधर डायग्राम ड्रॉ करके फिर से लिख देता हूं कि ये कंडक्टर है, इस कैसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या आर है। तो हमने ई लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखा था वो जीरो, कब, जब आर इज लेस देन आर इक्वल टू के क्यू अपॉन, हमने लिखा था स्मॉल आर स्क्वायर, कब, जब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, आर है। पोटेंशियल क्या होगा, देखो ध्यान से, वी एज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, कब, जब आर इज लेस देन इक्वल टू आर होगा, सही है। इस सरफेस के हर जगह क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस से क्या हो गया, इंडिपेंड हो, के क्यू अपॉन आर, और इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, जब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या हर जगह इनइक्वालिटी, समझ में आया क्या। तो ये पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर और कंडक्टिंग शेल के लिए, ठीक है, हर जगह क्या होता है, पोटेंशियल जो होगा कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, समझ में आया। इसलिए कंडक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, या कंडक्टर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ में आई बात। अब
अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो ध्यान से, एक ही जगह कई बार एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार ये ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं ई, ई वर्सेस आर, ठीक है, ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है। तो देखो यही क्या हो गया, सरफेस हो गया आर इक्वल टू आर, तो इसके अंदर सरफेस के अंदर फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, अभी हमने देखा, ठीक है। और बाहर के लिए क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ आप पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करोगे वी वर्सेस आर, तो पोटेंशियल क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है, अंदर जो है यहाँ आई मीन सरफेस तक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, देखो यहाँ से ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। और इसके बाद ये पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, ई वी ई विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर हो जाएगा, इधर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हर जगह क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, वी जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है, समझ में आया ना। और ये कितना होगा, वी एस इज इक्वल टू हमने लिखा था के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और वो पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो ये कभी कभी ग्राफ जो है वो डायरेक्ट क्या है, पूछा जाता है, ठीक है। तो नोट में यहां लिख लेना, क्या लिखना है कि एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू, इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, समझ में आया ना। तो सिंपल भी इन लिख रहा हूं, आई मीन पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, समझ में आया ना, याद रखना। अब देखो ध्यान से इसका यूज क्या है, ये मैं बता रहा हूं कि पोटेंशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूला तुमको याद रखना है, स्फेरिकल कंडक्टर और कंडक्टिंग सेल के लिए दो चीजें याद रखनी है, नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यही क्या है, देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है या स्फेरिकल सेल है। अब मैं इन और आउट लिख रहा हूं, समझ में आया ना, यही सी है, ठीक है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं वी इन, वी इन का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, समझ में आया ना। ये तब हम लिख रहे हैं इनसाइड का मतलब क्या हुआ, आर इज लेस देन इक्वल टू आर, और बाहर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, जब आर है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, वी आउट, वी आउट का मतलब, वी इनका मतलब क्या हुआ, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, वी आउट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। तो इनसाइड के लिए क्या करना है, के क्यू अपॉन आर लिख लेना है, के क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। आउट के लिए क्या करना है, के क्यू अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस नहीं है, उस पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस क्या है, सेंटर से हुआ है, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है। अभी पोटेंशियल लिखने के लिए हम बोलेंगे, इनके लिए के क्यू अपॉन आर, आउट के लिए के क्यू अपॉन क्या होगा, स्मॉल आर, ठीक है। जिसे देखो जैसे एक एग्जांपल देखो, देखो ध्यान से, ये क्या करना है तुमको,
ये सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और यहाँ क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। इस पे हमने क्या रखा है, चार्ज क्यू रखा है। चार्ज जो है वो क्या है, कंडक्टर पे रखोगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक है थिक सेल है, समझ में आया ना, थिक सेल आई मीन थोड़ा मैंने ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, सेल है जिसका थिकनेस ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या करना है, ये कंडक्टर है और ये शील है, ठीक है। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और इसका रेडियस क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है, क्या है, क्या पूछा गया है, पहले देखो ध्यान से क्या क्या पूछा गया है कि फाइंड, देखो ये इनर फेस है, फाइंड, देखो ध्यान से, फाइंड ये में चार्ज ऑन द इनर एंड, क्या होगा, एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है। बी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक में क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। बी में क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, और सी में क्या है, आउटसाइड, एट एनी पॉइंट आउटसाइड यहां पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तुम बताओ हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। पहले तो चार्ज हमको देखना है, तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि ये क्या होगा, ऑलवेज जो फेसिंग सरफेस होगा उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होगा, अपीयर होगा। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक ये शेल जो है क्या हो, आइसोलेटेड है, तो उस पर नेट चार्ज पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो रहेगा, समझ में आया ना, क्योंकि उसको हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया, आइसोलेटेड है, तो उसका चार्ज होगा ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब मुझे क्या करना है, ये समझ में आया, देखो माइनस क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या है, देखो ध्यान से, ए में तो S1, इसको मैं मान लेता हूँ, इनर सरफेस जो है वो क्या है S1, और आउटर सरफेस क्या है S2। तो S1 पे जो चार्ज होगा, S1 पे वो चार्ज कितना अपीयर हो गया, माइनस क्यू, और एक ऐसा होगा यूनिफॉर्म होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। S2 सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू होगा, और ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, समझ में आया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, इस पे पोटेंशियल क्या लिखना है मुझे, ए पे लिखना है, कहाँ, इसके सरफेस पे, आई मीन कंडक्टर के सरफेस पे, चलो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ। मुझे क्या लिखना है, वी ए, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, वी ए लिखना है, ठीक है। तो इसके द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे प्लस इसके द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे, समझ में आया ना, इस पे हर शेल के द्वारा क्या करेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे। तो देखो इसके सरफेस पे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो इसके द्वारा, इसी पे लिखना है, तो इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा,
बताना इसके द्वारा पोटेंशियल क्या होगा, भी, ठीक है, भी कितना होगा इसके सरफेस पे पोटेंशियल, अरे इस कंडक्टर के सरफेस पे या उसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन हम क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। अब इसके द्वारा लिखना है, ठीक है, समझ में आया ना, जब हम मुझे अंदर लिखना है तो क्या करना है बताओ, मुझे अंदर लिखना है तो क्या करना है, अंदर लिखना है तो क्या करना है, सरफेस पे लिखना है, इसके अंदर देखो इस शेल के अंदर लिखना है, किसके, इस पे जो पोटेंशियल होगा इसके खुद के चार्ज के द्वारा होगा और सेल पे जो चार्ज है उसके द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे। तो पहले मैंने इसके द्वारा तो पोटेंशियल लिख दिया कितना, के क्यू अपॉन ए, अब इसके द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, इस पे नेट चार्ज सेल पे कितना है, जीरो है, देखो ऐसे लिखेंगे प्लस के इंटू क्या लिखेंगे, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, जब भी अंदर पोटेंशियल लिखना है तो k इंटू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई रेडियस, तो हमने क्या लिख दिया, देखो आउटर रेडियस क्या है, बी है, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ में आया क्या। अब चलो एक जगह यहाँ भी लिख लेते हैं यार, P पॉइंट पे मुझे लिखना है पोटेंशियल, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन में समझ जाना है, देखो तो पी भी पी, अभी क्या है पी जो है इसे आउट है क्या, तो हम क्या लिखेंगे भी ए आउट, आई मीन इस सेल के द्वारा आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा, प्लस क्या लिखेंगे सॉरी इस कंडक्टर के द्वारा, ये क्या है देखो इस सेल के अंदर पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे भी बी इन। अब आउट के लिए हमने फार्मूला क्या, आउट के लिए जब भी कंडक्टर के बाहर लिखना होगा या सेल के बाहर तो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज कर दो, तो क्या लिखोगे के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल आर प्लस, देखो तो ये अंदर लिखना है, सेल के अंदर लिखने का मतलब क्या हुआ के क्यू अपॉन रेडियस, तो हम क्या लिखेंगे के, ठीक है, अगेन देखो इसके द्वारा पोटेंशियल लिखना है यहाँ तो हम क्या करेंगे के टोटल चार्ज क्या होगा माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो गया आर हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है इसके सरफेस पे लिखना है, देखो भी बी भी बी भी बी आई मीन शेल पे लिखना है, ठीक है, सेल के सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है, इसको मैंने बी माना है, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, देखो तो जब भी पोटेंशियल लिखना है तो जितने भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है सबके द्वारा अलग अलग पोटेंशियल लिख करके हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो एक तो इसके द्वारा पोटेंशियल होगा, तो देखो तो सेल जो है इस कंडक्टर के आउटसाइड है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वी ए आउट, आई मीन एक कंडक्टर ए के द्वारा आउटसाइड पोटेंशियल क्या होगा प्लस क्या लिखेंगे इसके द्वारा अंदर पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो क्या लिखेंगे वी बी इन, समझ में आया ना, आई मीन इसके द्वारा अंदर पोटेंशियल क्या, तो भी बी इन का मतलब क्या हुआ, अभी आउट का मतलब क्या होगा, देखो के क्यू अपॉन क्या लिखेंगे बी, सही है, समझ में आया, यहां हमने आर लिख दिया है क्या, बी होगा, देखो एस पॉइंट जो है आई मीन इसके सरफेस पे लिखना है तो इस कंडक्टर के लिए बाहर होगा ना, तो बाहर के लिए हम क्या यूज करते हैं के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और अंदर के लिए क्या लिखते हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यही लिखते हैं ना यार। अब देखो वी बी इन आई मीन इस सेल के लिए क्या होगा वी बी इन और वी एस दोनों सेम होगा ना यार, तो हम क्या लिखेंगे प्लस के, ठीक है, क्या लिखेंगे क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ बी, अगेन देखो ये वाला टर्म जीरो हो गया तो भी बी इक्वल टू क्या हो गया के क्यू अपॉन क्या हो गया बी हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि नहीं यहाँ कोई एम पॉइंट है वहाँ पोटेंशियल लिखो, तो देखो क्या है, ठीक है, यहाँ एम पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो एम पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो तो बी एम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इस कंडक्टर के लिए भी क्या है आउटसाइड है तो हम क्या लिखेंगे वी ए आउट आई मीन पोटेंशियल ड्यू टू ए
एट एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट, प्लस क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू सेल बी एट एनी पॉइंट आउटसाइड। और आउटसाइड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इनसाइड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, के क्यू अपॉन रेडियस। ठीक है, तो देखो तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस के, अगेन इस पे नेट चार्ज क्या होगा माइनस क्यू, प्लस क्या होगा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर। तो देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, वी एम इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर। यही हुआ ना। अब सब पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ कर लेंगे, ये भी देख लो। पोटेंशियल हमने क्या क्या लिखा, देखो वी इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा ए, जब आर क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू ए, इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन आर, जब आर क्या होगा लेस देन बी एंड ग्रेटर देन क्या होगा ए। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा अगेन आर, जब आर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बी होगा। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करके देखो, इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसके अंदर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, यहाँ बी हो जाएगा, फिर क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वैरी करेगा। तो यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे पोटेंशियल का वेरिएशन होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर ऐसे, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आया, ए आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू बी, और यहाँ भी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ भी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ क्या होगा बी कॉन्स्टेंट होगा। समझ में आया क्या। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें करना क्या है, जितने भी चार्जर दिखे सबके द्वारा क्या करना है, तुमको पोटेंशियल लिखते जाना है। ठीक है, क्या करना है, पोटेंशियल तुमको लिखते जाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ, केवल भी इन और भी आउट देखते जाना है। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान, एक और एग्जांपल देखो, दो कॉन्सेंट्रिक क्या है सेल है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है ए है, इसका रेडियस क्या हो गया बी हो गया, एक क्यू वन चार्ज है और इस पर क्या है क्यू टू चार्ज है। ठीक है, क्या है क्यू टू चार्ज है, ये मान लो ए और इसको बी मान लो। ठीक है, ये क्या है कॉन्सेंट्रिक सेल है, और ये भी क्या है सेल है या कंडक्टर, जो भी कंसीडर करना कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल पोटेंशियल एट ए एंड क्या होगा बी। समझ में आया क्या, आई मीन इस पे और इस पे, इस कंडक्टर और सेल पे, या सेल ही लिख लो इसको भी। ठीक है, सेल ए एंड सेल बी पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, उसको अपने को क्या करना है लिखना है। देखो समझो पहले, अब मुझे सेल ए पे पोटेंशियल लिखना है। देखो ध्यान से, अभी कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कहीं पोटेंशियल लिखना है वी इन, वी इन का मतलब क्या होगा के क्यू अपॉन आर रेडियस, और वी आउट का मतलब क्या होगा के क्यू अपॉन क्या होगा स्मॉल आर। समझ में आया ना। ठीक है, अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो के क्यू अपॉन आर, बाहर पोटेंशियल लिखना है तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है भी इन और भी आउट। अब चलो हम पोटेंशियल लिखते हैं, भी ए मुझे लिखना है पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट ए। तो इस पे चार्ज क्या है क्यू वन है, इसके इस चार्ज के द्वारा भी इस पे पोटेंशियल होगा, प्लस क्या होगा क्यू टू के द्वारा भी पोटेंशियल होगा।
इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा देखो तो हम क्या लिखेंगे, वी ए इन, कहीं भी पूछा जाए, सेंटर पे भी पूछा जा सकता है यहाँ पोटेंशियल लिखने के लिए, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे देखो तो, वी बी इन, अरे ये जो क्या है सेल जो है वो बी पॉइंट के अंदर, बी सेल के अंदर है ना यार, तो बी के लिए क्या हो गया, अंदर कोई पॉइंट हो गया, और ए के लिए क्या होगा, सरफेस हो गया और अंदर कोई पॉइंट हुआ। तो जब मुझे अंदर लिखना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखो यहाँ से, तो क्या लिखेंगे के क्यू आई मीन चार्ज ऑन सेल ए अपॉन क्या होगा ए, प्लस क्या लिखेंगे के क्यू टू अपॉन क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा ए पे मालूम चल गया, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, नेट पोटेंशियल एट बी, बी पे लिखना है, इसके सरफेस पे लिखना है। तो देखो देखो तो इसके सरफेस पे कोई जो पॉइंट होगा वो इसके लिए क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए एट एनी पॉइंट आउटसाइड वी आउट, वी आउट का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्यू टू सेल और कंडक्टर ए एट एनी पॉइंट आउटसाइड। प्लस क्या हो जाएगा, बी बी के लिए क्या हो जाएगा, इन लिखो और क्या लिखो, सरफेस लिखो, दोनों क्या होता है सेम होता है। तो भी आउट के लिए हम क्या लिखते हैं, के क्यू चार्ज अपॉन क्या लिखेंगे, रेडियल डिस्टेंस। तो कहाँ लिखना है, इसके सरफेस पे लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सही है, बी के द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे, बी के द्वारा लिखेंगे तो क्या होगा यार, इसके अंदर लिखो या इसके सरफेस पे लिखो सेम ही होगा। तो देखो क्या लिखेंगे, के क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो वी बी पोटेंशियल एट क्या होगा, के क्यू वन प्लस क्या हो जाएगा, क्यू टू अपॉन क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से एक ट्रिक भी डेवलप होता है, क्या करना है कि जिस सेल के बाहर लिखना है पोटेंशियल, उस सेल के अंदर और उस सेल पे नेट चार्ज कितना है, दैट चार्ज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। देखो यहाँ से के क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या हो गया, बी हो गया। अब तुमसे कोई पूछे कि ए और बी जो है वो कौन हायर पोटेंशियल पे है, तो तुम क्या बताओगे, देखो तो वी ए माइनस हम वी बी लिखते हैं, देखो ध्यान से, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, ये समझ में आ गया, पोटेंशियल हमने कैसे लिखा, जितने भी चार तुमको दिखे सबके द्वारा क्या करना है, सभी चार डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना है, ठीक है। अलग अलग यही कॉन्सेप्ट यूज करके वी इन और वी आउट वाला, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, अब रखो यहाँ देखो तो के क्यू वन अपॉन ए प्लस क्या होगा, के क्यू टू अपॉन बी, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस क्या होगा, के क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन क्या हो गया, बी। यहाँ बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिखेगा तुमको, देखो ध्यान से, ठीक है, कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कौन सा टर्म कैंसिल होने वाला है, देखो यहाँ से के क्यू वन इंटू क्या होगा, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया क्या। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मालूम चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, इनर सेल एंड आउटर सेल केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनर सेल पे कितना चार्ज है उसी पे डिपेंड करेगा। अब देखो यदि Q क्या होगा, यहाँ समझ में आया ना, देख रहे हो ना यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सेल A एंड सेल B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनर सेल पे कितना चार्ज है उसी पे डिपेंड कर रहा है, आउटर सेल पे चार्ज है उस पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आई बात। तो यदि क्या होगा, देखो ध्यान से, इफ यहाँ से इफ Q क्या होगा, Q1 का मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन इनर सेल क्या हो जाए इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, देन क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं वी ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी बी। अब आप यदि क्या होगा इस केस में, देखो ये सेल क्या है, देखो यहाँ ध्यान से इस पे चार्ज क्या है, Q1 है, इस पे चार्ज क्या है, Q2 है, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस क्या है, B है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है, हमने ये मान लिया कि Q1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या है,
तो कौन सा पोटेंशियल, ए सेल और बी सेल पे पोटेंशियल किसका ज़्यादा हो गया, ए का हो गया। अब यदि दोनों सेल को आप क्या करोगे, एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, कंडक्टिंग वायर से, तो आप क्या बोलोगे, आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, तो हम बोल सकते हैं वी ए वी एंड क्या होगा, एंड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज विल फ्लो, फ्लो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ क्या लिखेंगे, निगेटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी टिल टिल वी ए माइनस वी बी बिकम जीरो। आपको ये मालूम है चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तभी मूव करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो यदि इनर सेल पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब कोई भी दो सेल को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो अलवेज क्या होगा, अलवेज चार्ज होगा वो किधर से किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज अलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, और निगेटिव चार्ज अलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी टिल वी ए माइनस वी बी बिकम जीरो, ठीक है। निगेटिव चार्ज जो होगा वो किधर से, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम फ्रॉम बी टू ए टिल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, समझ में आया ना। नोट में यहाँ लिख लेना है दो पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, ठीक है, हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल टू क्या होगा, लोअर पोटेंशियल। ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम, ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, समझ में आया ना। ये दो पॉइंट याद रखना, समझ में आई बात, ये तब तक फ्लो होता रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा ये भी देख लो याद, ध्यान से, हमने बोला कि ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं। अब देखो तो यहाँ अगला पॉइंट देख लो कि हमने क्या लिखा है, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी इक्वल टू, मैंने लिखा है के क्यू वन, ठीक है, वन अपॉन ए माइनस क्या होगा, वन अपॉन बी। अब ये जीरो कब होगा बेटा बता सकते हो, जीरो कब होगा, जब क्यू क्या हो जाए, क्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वी ए इक्वल टू वी बी तभी हो सकता है जब Q1 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आई मीन क्या होगा, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मिला अपने को, रिजल्ट मिला कि जब भी क्या होगा, दो कंडक्टिंग सेल को आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, समझ में आया ना। और इनर सेल पे क्या है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यदि ये निगेटिव भी होगा तो क्या होगा, जो भी चार्ज है वो क्या होगा, इनर सेल पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। आई मीन जब दो सेल को आप कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा इनर सेल पे, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आउटर सेल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक है। हेंस यहाँ नोट में लिख लेना है, इफ क्या होगा, व्हेन व्हेन सेल ए एंड बी आर कनेक्टेड
कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन, ठीक है, टोटल चार्ज समझ में आया ना। अरे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तभी होगा जब इनर सेल पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन टोटल चार्ज विल क्या होगा, फ्लो फ्रॉम क्या होगा, या देन टोटल चार्ज विल ट्रांसफर टू द क्या होगा, आउटर सेल। देन टोटल चार्ज विल क्या होगा, विल ट्रांसफर टू द क्या होगा, आउटर सेल। आई मीन यदि देखो ऐसे कनेक्ट कर रहे हो दो सेल को, ठीक है, ये सेल ए है, ये क्या है आपका बी है, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया हमने, तो जो टोटल इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू वन जीरो हो जाएगा और इस पे क्यू वन प्लस क्यू टू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इनर सेल पे क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, आउटर सेल पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो इससे हमने ये सीखा कि दो कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक सेल है, ठीक है, तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ओनली डिटरमिन बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर सेल। एंड यदि हम दोनों सेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इनर सेल पे जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर सेल पे ट्रांसफर हो जाएगा, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम बिकम जीरो। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है, यहाँ एक और एग्जांपल देख लेना है। देखो यहाँ मैं तीन सेल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, लिखने से ए बी सी, इस पे क्यू वन चार्ज है, इस पे क्यू टू है और इस पे क्या है, क्यू थ्री है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है और इसका रेडियस क्या है, सी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, देखो ध्यान से, फाइंड पोटेंशियल एट ए बी एंड सी, ठीक है। देखो यहाँ और अब ये लिखना है, देखो ध्यान से, भी ए, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा इसके चार्ज के द्वारा, Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा और क्या होगा, Q3 के द्वारा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिखेंगे, भी एट ए ड्यू टू क्या होगा, Q1 प्लस क्या होगा, भी एट ए ड्यू टू Q2 प्लस क्या होगा, भी एट ए ड्यू टू क्या होगा, Q3, यही लिखेंगे ना। अब देखो Q1 के द्वारा इस पे लिखना है, इस पे कहीं भी लिखना है तो देखो तो इसके सरफेस पे लिखो या इसके अंदर लिखो, बात तो वही हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, देखो भी ए इन, ठीक है, प्लस देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q2 के द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे, भी बी इन प्लस क्या लिखेंगे, भी सी इन, ठीक है। सबके अंदर लिखने का मतलब क्या होगा, देखो तो क्या अंदर के लिए हमने क्या बताया, के क्यू अपॉन रेडियस, तो क्या लिखेंगे, के क्यू वन अपॉन ए प्लस क्या लिखेंगे, के क्यू टू अपॉन बी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी, ठीक है, ये पोटेंशियल मालूम चल गया। उसके बाद देखो बी भी लिखो, अगेन क्या होगा, पोटेंशियल एट बी विल बी क्या होगा, ड्यू टू क्यू वन प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू टू प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्या होगा, क्यू थ्री। अब देखो Q1 के लिए देखो तो इसके सरफेस पे लिखना है, तो ये सरफेस क्या है, इसके लिए आउटसाइड हो गया क्या, तो हम क्या लिखेंगे, भी ए आउट, आई मीन पोटेंशियल ड्यू टू ए एट आउटसाइड, प्लस क्या लिखेंगे, भी बी एस सरफेस पे, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, भी बी, ठीक है, सॉरी भी सी इन, अरे सी सेल के अंदर है ना, तो देखो तो भी आउट के लिए हमने क्या बताया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, रेडियल डिस्टेंस, तो ये रेडियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी प्लस क्या लिखेंगे, के क्यू टू अपॉन बी प्लस
कि क्यू थ्री अपॉन क्या हो जाएगा सी। देखो पोटेंशियल हमने लिख दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वी सी लिखना है, तो वी सी के लिए क्या लिखेंगे, देखो वी पोटेंशियल एट सी, ठीक है, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्या होगा Q1 प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्या होगा Q2 प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्या होगा Q3। अब देखो तो V पोटेंशियल ऑन सी ड्यू टू Q1, तो क्या लिखेंगे, V A आउट हो गया क्या, अरे इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A आउटसाइड प्लस क्या होगा पोटेंशियल B ड्यू टू आउटसाइड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C ऑन द क्या होगा S, आई मीन सी के सी का सरफेस ही होगा ना यार, तो आउट के लिए हमको क्या लिखना है, के क्यू वन अपॉन सी प्लस के क्यू टू अपॉन सी प्लस के क्यू थ्री अपॉन क्या होगा सी। समझ में आया क्या, ठीक है, तो देखो यहाँ से भी सी इक्वल टू क्या होगा के क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अपॉन क्या हो जाएगा सी हो गया। अब आपसे कोई पूछे, चलो मैं वी ए माइनस क्या देख रहा हूँ, वी ए माइनस वी भी हम लिख लेते हैं यहाँ, देखो यहाँ से, ठीक है, वी ए माइनस वी भी लिखो, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी ए माइनस वी भी आई मीन पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी भी कितना होगा, देखो के क्यू वन बाई ए प्लस क्या होगा के क्यू टू बाई बी प्लस के क्यू थ्री बाई सी, माइनस क्या हो जाएगा के क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक है, क्यू टू बाई बी माइनस प्लस क्या हो जाएगा के क्यू थ्री बाई क्या होगा सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यही होगा ना, अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से भी देख लो तुम, देखो इस कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से भी क्या मालूम चला कि के क्यू वन इंटू क्या हो गया वन अपॉन ए माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन, ठीक है, अगेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल ए एंड सेल बी क्या हो गया के इंटू क्यू वन, क्यू वन क्या है इनर सेल आई मीन ए सेल पे जो चार्ज है, ठीक है, इंटू वन माइनस ए माइनस क्या हो गया वन, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी हो गया। अब देखो तो बी बी माइनस बी सी लिखना है, तो बी बी लिखो क्या हुआ, देखो यहाँ देख के क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन बी प्लस क्या हो जाएगा के क्यू थ्री अपॉन सी माइनस क्या हुआ क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री के बाई क्या हो गया सी, ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिल रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, ठीक है। देखो वी बी माइनस क्या हो जाएगा वी सी इक्वल टू के, अब देखो Q1 प्लस Q2 इंटू क्या हो गया 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिख दिया। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है देखो B और क्या होगा B माइनस सी इक्वल टू क्या है वी बी माइनस वी सी क्या है Q1 प्लस Q2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन बी माइनस क्या हो गया 1 अपॉन सी, ठीक है। सिमिलरली तुमको लिखना है तो वी ए माइनस वी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या करते हैं हम, जब भी अपने को क्या करना है सेल के पे किसी भी सेल पे नेट पोटेंशियल लिखना है तो क्या करना है, सबका सभी कॉन्सेंट्रिक सेल का अलग अलग पोटेंशियल लिख करके और फिर हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे तो आसानी से मालूम। इसमें दो ही पॉइंट याद रखना है कि देखो कि जिस सरफेस पे लिखना है वो गिवन कॉन्सेंट्रिक सेल के अंदर है या बाहर है, अंदर होगा तो के क्यू अपॉन रेडियस लिखो, बाहर होगा तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर लिखो, आई मीन स्मॉल आर क्या होगा रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन सेल, बस एक ही ट्रिक है दूसरा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अर्थिंग और क्या होगा ग्राउंडिंग, इसको भी हम देख लेते हैं बस ज़्यादा कुछ उससे रिलेटेड, ठीक है। तो अर्थिंग अर्थिंग और ग्राउंडिंग ये क्या होगा कंडक्टर,
ठीक है, क्या है कंडक्टर। आपको ये ध्यान देना है, देखो ये क्या है, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है और ये क्या है कंडक्टर है, किसी भी शेप का एक कंडक्टर हमने मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है ये जान लो आप, कि जनरली हम क्या करते हैं, अर्थ जो है क्या है, अर्थ का जो पोटेंशियल है इसमें हम क्या करते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज सपोज टू बी जीरो, एज क्या होगा जीरो, आई मीन इसका पोटेंशियल जो हम मानते हैं अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। अब जब मान लो कि जब क्या होगा, ये कोई क्या है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर को जब आप क्या करोगे किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ये क्या है कंडक्टिंग वायर, इसके थ्रू कनेक्ट कर दोगे, तो आपको ही मालूम है कि इसका ये अर्थ का हमने पोटेंशियल क्या माना है जीरो माना है। तो आइदर क्या होगा, चार्ज जो होगा अर्थ से कंडक्टर के तरफ जाएगा और कंडक्टर के से अर्थ के तरफ फ्लो होगा, तब तक जब तक कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाए। अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम विल नॉट बी जीरो, समझ में आया ना, जब तक उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा या होता है तब तक उनके बीच क्या होगा चार्ज का फ्लो होता रहेगा वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ भी क्या है कि अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि जो अर्थ होता है हम मानते हैं कि वो बहुत ही लार्ज क्या होता है रिजर्वायर होता है चार्ज का, ठीक है, आई मीन अर्थ जो है यदि चार्ज सप्लाई भी कर रहा है या चार्ज एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, उस सिचुएशन में इसका इस पर जो नेट चार्ज होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना कि समुद्र से तुम वन बाटली पानी निकाल लो तो उसमें पानी का लेवल क्या होगा चेंज होगा क्या, नहीं होगा। उसी तरह अर्थ जो है, अर्थ के पास जो होता है बहुत ही चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, तो इसके अंदर कुछ चार्ज आ रहा है और इससे बाहर कोई चार्ज, कुछ चार्ज जा रहा है, उससे इसके नेट चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ में आया ना। तो इसमें क्या करते हैं हम कि अर्थ को हम क्या मान लेते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको हम क्या मानते हैं जीरो मानते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज सपोज टू बी जीरो। और जब किसी कंडक्टर को आप क्या करोगे, क्या करोगे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा चार्ज विल फ्लो आइदर फ्रॉम क्या होगा अर्थ टू कंडक्टर और कंडक्टर टू अर्थ डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है। यदि कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो से ज़्यादा है, आई मीन पॉजिटिव है, तो आपको ही मालूम है कि यहाँ से क्या होगा निगेटिव चार्ज फ्लो होगा, सो दैट इसके पोटेंशियल को क्या करेगा डिक्रीज कराएगा, डिक्रीज कराएगा, ठीक है, और जीरो ला देगा। दूसरी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा और वो क्या होगा अर्थ के तरफ आएगा जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए, समझ में आया ना। तो सिंपल क्या है इसमें, कंडक्टिंग और ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है इसको आप लिख लो, ठीक है, इट इज द क्या होगा, इट इज द प्रोसेस, प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट, कनेक्ट ए कंडक्टर, इट इज द प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट ए कंडक्टर विथ अर्थ थ्रू कंडक्टिंग वायर, ठीक है, आफ्टर अर्थिंग, यहां दूसरा पॉइंट लिखना है आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग और अर्थिंग पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर
बिकम क्या होगा, बिकम जीरो। समझ में आया ना? आई मीन इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सिंबल क्या होता है उसको लिख लें। सिंबल क्या होगा ग्राउंडिंग का, देखो यही सिंबल होता है, ठीक है, ये तीन लाइन दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंडिंग। जैसे हमने ऐसे एक कंडक्टर है, देखो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, एक कंडक्टर है और जब मैंने ऐसे लाइन दिखा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, ग्राउंड कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो एक कंडक्टर, आई मीन इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, यही सिंबल है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन अर्थ से उस पर कुछ चार्ज फ्लो होगा या कंडक्टर से अर्थ की तरफ कुछ चार्ज फ्लो होगा, सो दैट पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर विल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना? बस यही याद रखना है कि जब भी इस तरह का सिंबल दिखे तो तुमको ये समझ लेना है कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया है, जीरो हो गया। जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, ठीक है, कि मान लो कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक शेल है, ठीक है, अभी ए है और दूसरा क्या है, बी है, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू वन है और इस पे चार्ज क्या है, क्यू टू है। इसको हमने क्या किया है, एक वायर के थ्रू देखो, इधर यहाँ स्विच है, ठीक है, समझ में आया, ये दो कंडक्टर हैं, स्विच है। इस स्विच को हम क्या किए हैं, टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द क्या होगा, ईच फेसेस ऑफ द क्या होगा, शेल ए एंड बी, ठीक है, क्या होगा, ईच फेसेस ऑफ सेल ए एंड बी। अब ये जस्ट बिफोर क्या है, देखो जस्ट बिफोर ग्राउंडिंग, समझ में आया ना, ये जैसे ही हम कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो अब आफ्टर ग्राउंडिंग क्या होगा, देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखना है कि जो सेल को हम ग्राउंड कर रहे हैं उसके इनर सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उस पर चार्ज क्या होगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। क्यू आई मीन इसका रेडियस क्या है, ये है, इस पर चार्ज क्या है, क्यू वन है, ठीक है। अब जिस पे चार्ज निकालना है, अब देखो तुम जैसे ही क्या करोगे, आप क्या करोगे, स्विच कनेक्ट कर दोगे, आई मीन सेल बी को ग्राउंड कर दोगे, तो इस पे चार्ज ये नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं रहा, ये आइसोलेटेड है, तो इस पे चार्ज जो है वो एज इट इज रहेगा। आइसोलेटेड कंडक्टर पे चार्ज कभी चेंज नहीं होता है। तो आउटर सेल जो बी है वो अर्थ से जब आप कनेक्ट कर दोगे, ग्राउंड कर दोगे, तो उस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नहीं रहेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, नहीं रहेगा। अब सिंपल मैं आपसे एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो सिंपल, देखो ध्यान से, ये क्या है, सेल है, ठीक है, मान लो कि इस पे चार्ज क्या है, क्या है, देखो तो चार्ज क्या है, क्यू है, देखो इधर नोट में इसको देखो ध्यान से। अब हमने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है, ग्राउंड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, बता सकते हो, ये जस्ट बिफोर, ऐसे सोचो यहाँ स्विच कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, टी इक्वल टू जस्ट बिफोर स्विचिंग, ग्राउंडिंग, स्विचिंग का मतलब क्या हुआ, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ठीक है। अब इस पे चार्ज जो है, तुम बताओ इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर, यही पोटेंशियल होगा ना यार, भी इसके सरफेस पे। अब ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो, तो इसका पोटेंशियल जीरो कब होगा, बता सकते हो, जब क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज, कोई पूछे कि आफ्टर ग्राउंडिंग कितना होगा, तो इस पे चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तभी इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का, अब यहाँ देखो इसका पोटेंशियल
इसी चार्ज के द्वारा डिटरमिन नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमें नहीं बोल सकते कि ये जीरो होगा या क्या होगा। लेकिन यदि सिंगल सेल है और उसको आप ग्राउंडिंग कर देंगे तो उस पर टोटल चार्ज, क्योंकि सिंगल सेल के द्वारा, सिंगल सेल पे जो पोटेंशियल होता है, सेल का पोटेंशियल होता है उसके सरफेस पे और अंदर किसी पॉइंट पे, वो क्या होता है, के क्यू अपॉन रेडियस। तो रेडियस तो जीरो नहीं हो सकता यार, के जीरो नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स ये पोटेंशियल तभी जीरो होगा जब क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो चार्ज होगा, यहाँ कोई पूछे कि कितना चार्ज ग्राउंड में फ्लो होगा, तो चार्ज कितना फ्लो होगा ये भी पूछा जा सकता, फ्लो इन द ग्राउंड। कितना हो जाएगा यार, Q, यही चार्ज, जितना चार्ज था उतना फ्लो हो गया। समझ में आया ना? तो उसी तरह अभी हमने मान लिया कि जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग ये आइसोलेटेड है, तो इस पर कोई फिर, इस पर जो चार्ज है वो क्या हो गया, क्यू टू डैश हो गया। कब, जब हमने इसको ग्राउंड कर दिया। अब आपसे कोई पूछे क्यू टू डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इस बी जो सेल है उसका पोटेंशियल लिख करके क्या करो, जीरो कर दो। समझ में आया ना, क्या करना है, पोटेंशियल लिख करके जीरो कर देना। आपको समझ में आया कि आफ्टर ग्राउंडिंग या आफ्टर अर्थिंग सेल बी व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच फेसेस। ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, आई मीन हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एट बी क्या लिखेंगे, मुझे क्या करना है, बी सेल को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा, देखो तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल, इसका जीरो, तो इसका भी पोटेंशियल वी बी का नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो पहले वी बी का पोटेंशियल लिखो क्या होगा बताओ। अब इसका पोटेंशियल इसके चार्ज के द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए आउट हो गया, ठीक है, प्लस इसके सरफेस पे लिखना है तो वी बी क्या हो गया, इन लिखो और एस लिखो, दोनों सेम हो गया। अब देखो क्या लिखे, के क्यू डैश अपॉन, हमने क्या लिखा है, सॉरी, के क्यू वन अपॉन ए प्लस क्या होगा, के क्यू टू डैश अपॉन, या हाँ क्यू टू डैश अपॉन बी। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है, देखो पहले चार्ज इस पे कितना है, क्यू टू है, अभी क्या हो गया, चार्ज कितना हो गया, कनेक्ट करने के बाद हमने मान लिया क्यू टू डैश हुआ। ठीक है, क्योंकि कुछ चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, तभी क्या होगा, बी सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो अब देखो यहाँ लिख सकते हो कि अब नाउ बी क्या है, ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडिंग का सिंबल है, समझ में आया ना। तो आपको क्या होना चाहिए, वी बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब लिखो, देखो क्यू वन अपॉन ए प्लस क्या होगा, क्यू टू डैश अपॉन बी इक्वल टू जीरो, तो Q2 डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस, ठीक है, B अपॉन A Q1। देखो तो Q2 डैश मालूम चल गया क्या। अब आउटर सेल पे पोटेंशियल क्या हो गया, देखो मालूम चल गया। ठीक है, आफ्टर अर्थिंग, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से, ये सेल A है, ये सेल क्या हो गया, B हो गया, इसका रेडियस A है, इसका रेडियस क्या है, B है, इस पर चार्ज क्या होगा, Q1, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस B अपॉन A Q1। समझ में आई बात, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, तब जब हमने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, ये सिंबल किसका है, ग्राउंड का है या अर्थिंग का है। अब आपसे पूछा जाए कि चार्ज B से अर्थ में कितना फ्लो हुआ, तो देखो तो पहले चार्ज क्या है, Q2, अभी चार्ज क्या हो गया, तो इसी का डिफरेंस ही होगा ना यार। समझ में आया क्या, क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा ना। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये फेस, इस फेस पे चार्ज क्या होगा, यहाँ यहाँ, तो याद रखना है, देखो यहाँ Q1 है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस Q1, और फिर यहाँ आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, प्लस Q1, तो यहाँ प्लस Q1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो हमने देखा है। ठीक है, अब चार्ज कितना फ्लो हुआ बेटा बता सकते हो तुम, कैसे बताओगे, देखो चार्ज, ठीक है, फ्लो, ये भी पूछा फ्लो फ्रॉम बी टू, बी टू क्या होगा, अर्थ, कितना है,
अरे पहले इस पे चार्ज क्या था, क्यू टू है यार, अब कितना चार्ज है, यही आया ना, तो कितना चार्ज फ्लो होगा बताओ, कैसे सोचेंगे? बताओ सोच के तुम लोग, आफ्टर अर्थिंग बी सेल पे कितना चार्ज है, कितना चार्ज है ये मालूम चल गया, पहले कितना चार्ज ये मालूम चल गया, तो इधर से चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, इधर से यही आपको क्या करना है, बताना है। तो क्या लिखें बताओ तुम लोग, निगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ होगा, तो अर्थ कितना सप्लाई किया होगा, देखो अर्थ को हम लिख सकते हैं माइनस, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, देखो माइनस, ठीक है, माइनस क्यू टू प्लस क्या होगा, बी अपॉन ए क्यू वन, चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू अर्थ, या हम इसके द्वारा यदि सोचें तो हम इतना लिख सकते हैं क्या, ये तो गलत लिख रहे हैं ना, नहीं सही तो है यार, सही तो है, देखो ध्यान से, अरे यही हुआ ना यार, देखो दोनों को ऐड करके देखो, इनको और इनको, ये चार्ज होगा ना यार, अरे पहले चार्ज इतना था, अब चार्ज क्या है, इतना है, तो चार्ज फ्लो कितना हुआ होगा इससे, इससे कितना हुआ होगा, तो क्यू टू प्लस बी अपॉन ए क्यू वन, तभी तो ये क्या हुआ, इस पे माइनस क्यू आया ना यार इतना, तो यही क्या हो गया, चार्ज फ्लो हो गया, समझ में आया ना। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम तुमसे पूछा जाता है, जैसे एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है, सब सिंपल याद रखना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मान लो क्या है, देखो ध्यान से, ए सेल ए है, दिस इज सेल बी और दिस इज सेल सी, ठीक है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू वन है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू टू है, इस पे चार्ज क्या है, क्यू थ्री है, ठीक है। यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, ये बिफोर स्विचिंग है, समझ में आना, अब टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, देखो ध्यान से, फाइंड चार्ज ऑन सेल, इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी, सेल ए बी एंड सी, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर ग्राउंडिंग, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, जब ग्राउंड कर दोगे तो जो ग्राउंड किए हो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, उसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया ना, क्या होगा, चार्ज, इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बस यही ध्यान देना है। और सबका देखो, ये भी आइसोलेटेड है तो इस पर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, ये कभी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, समझ में आया ना, ये भी चेंज नहीं होगा, केवल इस पर जो चार्ज है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं है, जो ग्राउंड जिसको हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं उसके पोटेंशियल को हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। अब यहाँ मैं ग्राउंडिंग दिखा दिया, ये सेल ए हो गया, देखो ये सेल बी हो गया और ये सेल सी हो गया, इस पर एज इट इज चार्ज रखेंगे, इस पर मैंने मान लिया कि क्यू डैश चार्ज है और इस पर क्या है, क्यू थ्री है, समझ में आया ना, इस पर हम अब हमको क्या करना है, ए सेल ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, कुछ नहीं करना है, केवल बी पे पोटेंशियल लिख करके और क्या करना है, जीरो, जिस सेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं, उसका पोटेंशियल क्या करो, जीरो कर दो और उस पर कुछ चार्ज मान लो, और फिर उस चार्ज को आसानी से क्या कर सकते हो, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी पूछा जाएगा कि सेल बी से कितना चार्ज अर्थ में फ्लो हुआ, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, बी का पोटेंशियल लिख लो। अब देखो तो वी बी कैसे लिखेंगे, वी बी का पोटेंशियल, आई मीन बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा,
बता सकते हो? तो देखो बी जो है ए के लिए क्या आउटसाइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो के क्यू वन अपॉन बी, बी पे लिखना है तो बी के लिए सरफेस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे प्लस के क्यू टू डैश अपॉन क्या लिखेंगे बी प्लस सी के क्या है सी सेल के अंदर है तो क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे के क्यू थ्री अपॉन क्या हो जाएगा सी। अब लिख देंगे इसको क्या जीरो, ठीक है। यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं देखो क्यू वन अपॉन बी प्लस क्या लिखेंगे क्यू थ्री अपॉन सी, ठीक है, इक्वल टू माइनस क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा बी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो क्यू टू डैश इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी इन टू, ठीक है, क्या लिखेंगे क्यू वन अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा क्यू थ्री अपॉन बी, हो गया चार्ज कैलकुलेट हो गया। अब कितना चार्ज फ्लो हुआ, ऑफ कोर्स क्या होगा कुछ चार्ज इधर से फ्लो हुआ होगा यार, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल चार्ज क्या है इस पे Q2 था, अभी क्या हो गया Q डैश हो गया। तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन टू क्या होगा अर्थ कितना हो जाएगा बता सकते हो, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्या होगा बताओ कितना हो सकता है। अरे देखो तो Q2 ठीक है क्या होगा Q2 चार्ज फ्लो तो Q2 ठीक है प्लस सिंपल है B अपॉन B इंटू क्या हो जाएगा Q1 अपॉन A प्लस क्या हो जाएगा Q3 अपॉन B, हमने लिखा है ना Q3 अपॉन सॉरी C होगा, यहाँ C होगा इतना ही चार्ज क्या होगा अर्थ को चला जाएगा, तभी ये क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम क्या होता है याद है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और मुझे प्रूव करना, और भी आप प्रैक्टिस करना इस पर, मैं सीट दूंगा तो इस पर, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, कंफ्यूजिंग भी होता है तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अब मुझे देखो एक और पॉइंट हमको नोट में लिखना है जो मैं बताना चाह रहा था, ये कोई कंडक्टर है, मैं स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, ये इस पर चार्ज क्या है देखो क्यू है, ठीक है समझ में आया ना, सॉरी चार्ज क्या है क्यू है, इसका रेडियस हम चलो आर मान लेते हैं, ये कंडक्टर है या सेल है याद रखना, ठीक है। अब मैं आपसे यहाँ पूछ सकता हूँ कि इस पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसको आप कैसे बता सकते हो। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल से लिखते हैं, एज वी नो दैट द पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, अभी हमने लिखा था। तो देखो वी ई एस इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आई मीन एस पे एस का मतलब क्या हुआ सर्फेस, पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर पॉइंट एस पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लो, तो वी पी इज इक्वल टू वी क्यू इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं के अपॉन आर इंटू, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये भी सही है। अब आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा लिखना चाहिए सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि सिग्मा फोर पाई आर अपॉन क्या हो गया फोर पाई इप्सिलन जीरो, ठीक है। यहाँ से देखो फोर से फोर पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा आर अपॉन क्या लिख सकते हैं इप्सिलन जीरो, और फॉर कंडक्टर इसको लिख सकते हैं देखो सिग्मा आर इप्सिलन जीरो इक्वल टू वी एस इक्वल टू हम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं बेटा, फॉर कंडक्टर पोटेंशियल क्या होगा हर जगह क्या होता है सेम होता है कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से देखो जो मैंने बताया था कि सिग्मा क्या होगा सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने बताया था कि आगे बता दूंगा, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए क्या होगा याद रखना है कि जब भी किसी भी कंडक्टर पे चार्ज रखोगे तो क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ
ठीक है। यहां से देखो कि यदि स्फेरिकल वनली, याद रखना फॉर ये जो रिजल्ट है वो जनरल रिजल्ट है, समझ में आया ना, फॉर एनी कंडक्टर, फॉर कंडक्टर ऑफ एनी शेप, कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। एक यहां एग्जांपल मैं बता रहा हूं, देखो फॉर कंडक्टर ऑफ एनी शेप, यहां लिख सकते हो कि फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, याद रखना है केवल स्फेरिकल कंडक्टर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं केवल स्फेरिकल कंडक्टर। देखो हमने क्या लिखा, वी एस इज इक्वल टू क्या लिखा, के क्यू अपॉन आर, इक्वल टू हम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं यार, यहाँ से बोल सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली पोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर, आई मीन चार्ज स्टोर बाय द क्या होगा, स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली पोर्शनल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये क्या करना है, ध्यान में रखना है कि KQ क्या हो जाएगा, चार्ज स्टोर बाय द कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जितना ज़्यादा, जैसे मान लो कि क्या है, दो कंडक्टर दिया हुआ है, उनको हमने क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया। देखो सिंपल एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा आगे। मैं देखो ये रेडियस क्या है, मान लो कि आर है, और एक कंडक्टर का, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है, टू आर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया आगे, इसको क्या किया, एक कंडक्टिंग, पहले इस पर हमने चार्ज रख दिया, क्या हुआ, क्यू वन या क्यू, अब मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, कंडक्टिंग वायर से, ऐसे मान लो यहाँ स्विच रख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप T इक्वल टू जीरो पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक कंडक्टर ए है और ये क्या है, बी है, समझ में आया ना। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, अब देखो आफ्टर क्या होगा, स्विचिंग, ये भी पूछा जा सकता है, आगे भी इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पूछा जा सकता है कि किस कंडक्टर पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, आई मीन ज़्यादा, ऑफकोर्स क्या होगा, दो यही क्यू जो होगा दोनों में क्या होगा, शेयर होगा, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, स्टोर करेगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, लार्जर द रेडियस ऑफ कंडक्टर मोर चार्ज इट विल स्टोर एंड वाई से वर्सा, समझ में आया ना। तो आफ्टर क्या होगा, ग्राउंडिंग, यदि हम आफ्टर कनेक्टिंग हम लिख सकते हैं इस पर क्यू वन चार्ज और इस पर हम क्या लिख सकते हैं क्यू टू चार्ज, सही है, समझ में आया ना, देखो ध्यान से, यही हमने क्या किया, इसको ये आर हो गया, ये क्या हो गया, टू आर हो गया, ठीक है, ये आफ्टर कनेक्टिंग। आगे इसको जब कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ एनर्जी लॉस भी कितना होता है ये भी पूछा जाता है, समझ में आया ना, यहाँ भी, लेकिन अभी हम एनर्जी नहीं पढ़े हैं इसलिए। अब जब दोनों को देखो, अभी क्या हुआ, क्यू वन प्लस क्यू टू, तो एक तो आप क्या करोगे, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज करोगे, देखो यही चार्ज इन दोनों कंडक्टर पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो पहले तो हम लिख देंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या लिख सकते हैं, क्यू वन प्लस क्यू टू इक्वल टू क्या होगा, क्यू होगा, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा हम जानते हैं कि चार्ज स्टोर बाय द स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इट्स रेडियस, अभी मैंने बताया, तो देखो हम लिख सकते हैं क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल टू आर वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर टू लिख सकते हैं, और आर वन क्या है बेटा, आर वन इज इक्वल टू क्या है, आर है, तो आर अपॉन क्या लिखेंगे, टू आर, ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू, तो यहाँ देखो क्यू टू इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस क्यू वन हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकेंड से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो, देखो तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q by 3, और Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 Q by क्या हो जाएगा, 3। ये चार देखो मालूम चल गया आपको कि चार्ज आफ्टर क्या होगा, कनेक्टिंग, दोनों पे चार्ज कितना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो आपको याद रखना है कि यदि ये स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है तो उस पर जो चार्ज स्टोर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इट्स रेडियस, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही क्या होगा, उस पर ज़्यादा क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे और
पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक क्लास में आपका क्या होगा, ये चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इधर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे और कैपेसिटर, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।